हेलो गाइज, हैव ए वेरी नाइस डे। तो चलिए मैं थंबनेल पे ही बात करता हूँ और मैं आज आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से, किस ट्रिक से आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी, आप अपना फोटो खींचे, हो सकता है आपको किसी लड़की वाले के या लड़के वाले के पास भेजना हो, या फिर अपने व्हाट्सएप के डीपी पे लगाना हो, इंस्टाग्राम के डीपी पे लगाना हो और बैकग्राउंड आपका सही नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि बिना किसी एप्लीकेशन, बिना किसी ऐप का अपना बैकग्राउंड चेंज करें, तो फिर मुझे फॉलो करिए। चलिए मैं साइड में आ जाता हूँ और आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, पूरा लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि किस तरह से आप अपना फोटो को चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन करना, जैसे मैंने ओपन कर दिया, फिर ये खुल रहा है, अभी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है। फिर आपको लिखना है remove.bg। देखिए मैंने लिख दिया remove.bg और फिर इसको क्लिक कर देना है। देखिए आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आएगा कुछ ऐसा है। देखिए अब आ गया, देखिए लिख रहा है रिमूव इमेज बैकग्राउंड, और फिर इसके बाद आपका ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने गैलरी से या फिर ब्राउज से कहीं से एक फ़ोटो को चूज कर लेना है। मेरा भैया का फ़ोटो है यहाँ पे और मैं अपने भैया का फ़ोटो को चूज करता हूँ। देखिए और चूज करने के बाद ये प्रिपेयर करेगा, प्रिपेयरिंग अपलोड लिख रहा है और देखिए अपलोडिंग होने लगा। फिर अपलोड होने के बाद जो पहला स्टेप है आपका, कुछ ऐसा बैकग्राउंड आता है, ये सबसे नॉर्मल बैकग्राउंड पहले ऐसा आता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एडिट पर क्लिक करेंगे, फिर प्रीव्यू पे जाएंगे, फिर इसके बाद बहुत सारा आपका बैकग्राउंड चेंज आएगा, आप किसी को भी क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, आप किसी एक पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज हो गया। और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है आपको, आप जिस तरह का यहाँ पे इमेज दिख रहा है, आप किसी को क्लिक करेंगे उस तरह का आपका इमेज बन जाएगा। और देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको मैंने क्लिक किया और ये भी आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नेटवर्क स्लो है। और अगर आप चाहते हैं नॉर्मल बैकग्राउंड लेना, तो देखिए यहाँ पे नीचे जा सकते हैं, नीचे पे अलग अलग आ रहा है आपका, किसी भी तरह का नॉर्मल बैकग्राउंड ले सकते हैं, किसी को चूज करेंगे तो आपका उसी तरह का फ़ोटो आएगा। चलिए मैं आपको डाउनलोड करना सिखाता हूँ। वहाँ पर ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन था, फिर उसको छूने के बाद नीचे डाउनलोड का इमेज आया, फिर डाउनलोड इमेज पर क्लिक किया, देखिए डाउनलोड हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। और देखिए किसी भी फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने में मात्र 20 सेकंड का टाइम लगता है, मुझे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि मेरा नेटवर्क स्लो था। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी वीडियो का भी बैकग्राउंड चेंज करना सिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। और आशा करता हूं ज़रूर आपको पसंद आया होगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।